हेलो गाइस, स्वागत सबका हमारे बीके स्पेशल यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो पर गाइस, मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से गिफ्ट वाउचर को किस तरह से परचेज करते हैं, किस तरह से किसी को भी भेजते हैं या गिफ्ट वाउचर को, और वो किस तरह से रिडीम कर सकता है। मैं आज की इस वीडियो पर आपको फुल डिटेल के साथ स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। अगर गाइस आप शादी में जाते हो या किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हो तो आप उसको गिफ्ट देते होगे। इसी तरह से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ने ये एक न्यू ऑप्शन लॉन्च किया गिफ्ट वाउचर का, जहां पर आप किसी को भी गिफ्ट वाउचर सेंड कर सकते हो। और ये गिफ्ट वाउचर स्टार्ट होता है 25 रुपये से, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी आपको इधर पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको किस तरह से गिफ्ट वाउचर को परचेज करना है, किस तरह से आप किसी को भी गिफ्ट वाउचर भेजना चाहते हो तो आप किस तरह से भेजोगे, और वो किस तरह से रिडीम करेगा, मैं आज की इस वीडियो पर आपको फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को आखिरी तक देख लेना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको गिफ्ट वाउचर कैसे परचेज़ करना है और किस तरह से आपको भेजना है। तो सिंपल सा, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कैटेगरी का, तो आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो इधर पर एक ऑप्शन आएगा गिफ्ट कार्ड का, तो आपको गिफ्ट कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको इधर पर गिफ्ट कार्ड के एक कैटेगरी देखने के लिए मिल जाएगी, बर्थडे, बेस्ट बेस, ऐसे बहुत ज़्यादा को अदर पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कैटेगरी के गिफ्ट कार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जैसे आप बैक करते हो इधर पर, तो इधर पर जैसे कि आप देख सकते हो बर्थडे का गिफ्ट कार्ड मुझको परचेस करना है और यही गिफ्ट कार्ड मुझे भेजना है। तो सिंपल सा, अपन को बर्थडे वाला करना है तो मैं बर्थडे पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको जो कार्ड के अमाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं, ये 1000 का है, ये 100 रुपये का है, ऐसे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट के गिफ्ट कार्ड देखने के लिए मिलेंगे। तो एक है 26 रुपये का गिफ्ट कार्ड, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसी वाले को हम परचेस करेंगे। अब नीचे तरफ एक बॉय न्यू का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्लिक करना है, इधर से डायरेक्टली आपका जो है गिफ्ट कार्ड परचेस हो जाता है। अब आपको ये गिफ्ट कार्ड किसको भेजना है, तो इधर पर आपको उसकी डिटेल डालना होगा। तो जैसे कि आपको इधर पर उसका नाम डालना है जिसको भी आप गिफ्ट कार्ड भेजना चाहते हो, इधर पर आपको उसकी ईमेल आईडी डालना है, इधर पर भी आपको उसकी ईमेल आईडी डालना है, और आप मैसेज में क्या लिखना चाहते हो, जैसे कि उसका बर्थडे है तो हम हैप्पी बर्थडे लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको पूरी की पूरी डिटेल देना है। चलो हम डिटेल को दे देते हैं। आप देख सकते हो इधर पर हमने जिसको गिफ्ट कार्ड भेजना है उसका नाम लिख दिया, उसकी ईमेल आईडी लिख दी, इधर पर भी उसकी ईमेल आईडी लिख दी, और इधर पर मैसेज में हैप्पी बर्थडे लिख दिया है। तो इधर पर ईमेल आईडी से देने से क्या होगा, डायरेक्टली उसकी ईमेल पे ये गिफ्ट कार्ड जाएगा और वो इस वाले गिफ्ट कार्ड को डायरेक्टली रिडीम कर सकता है अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में और शॉपिंग वगैरह कर सकता है। तो सिंपल सा, आपको नीचे की तरफ नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और इधर पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद कुछ लोडिंग्स होने वाली है, आपको वेट कर लेना है। उसके बाद आपसे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप किस चीज़ से पेमेंट करोगे, तो आपको पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा, पेटीएम से या फ़ोनपे से या पेटीएम डेबिट कार्ड से या कुछ यूपीआई वगैरह से भी आप कर सकते हो। तो इधर पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलो हम फ़ोनपे से करेंगे, हमारा फ़ोनपे पहले से लिंक है, तो इधर पर हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हमारा फ़ोन पे ओपन हो चुका है, और इधर पर 26 रुपये अमाउंट लिखा आ चुका है, और इधर पर यूपीआई पिन देना है। तो चलो जो है हम अपने यूपीआई पिन को इंटर कर देते हैं। यूपीआई पिन को इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की लोडिंग्स होने वाली है। इधर पर आपकी जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगी, और जो आपका कार्ड है इधर पर सेंड हो जाएगा उसकी ईमेल आईडी पर, जिसकी भी आपने ईमेल आईडी डाली है। तो कुछ इस तरह से जो कार्ड सेंड हो जाता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि अब वो जैसे कि उसके पास कार्ड पहुँच चुका है, या उसके पास जो कार्ड पहुँच चुका है वो किस तरह से रिडीम करेगा अपने फ्लिपकार्ट में, या कोई भी आपको कार्ड भेजता है तो आप किस तरह से रिडीम करोगे अपने फ्लिपकार्ट में, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरह से रिडीम करना है। तो गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह से अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में गिफ्ट कार्ड को रिडीम करेगा, या आपको किसी ने गिफ्ट कार्ड भेजा तो आप किस तरह से रिडीम करोगे। तो सिंपल सा, आपके पास ना एक मेल आया होगा जिसने भी आपको गिफ्ट कार्ड भेजा है फ्लिपकार्ट का, तो आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आया होगा, और इधर पर मेल में इधर पर फर्स्ट में एक मेल आएगा इनवॉइस का, उसका इनवॉइस रहेगा गिफ्ट कार्ड का, और इधर पर गिफ्ट कार्ड का एक मेल आएगा, तो आपको सेकंड वाले में क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और इधर पर आपको मेल वगैरह में पूरा का पूरा देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि हैप्पी बर्थडे वाला,
जो है हमने भेजा था। उसके बाद आपके सामने इधर पर इंटरफेस आ जाएगा और इधर पर गिफ्ट कार्ड नंबर रहेगा, तो आपको इस वाले नंबर को कॉपी कर लेना है, इधर पर क्लिक कर देना और इस तरह से आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको बैक जाना है और आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में जाना है, आपको किस तरह से रिडीम करना है इस वाले गिफ्ट कार्ड को मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपको गिफ्ट कार्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना और इधर पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ऐड टू वॉलेट, तो क्लिक करना। ऐड टू वॉलेट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इधर पर गिफ्ट कार्ड नंबर आएगा, तो फर्स्ट में जो भी आपने कॉपी किया उस वाले नंबर को आपको इधर पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको सिंपल सा क्या करना, बैक चले जाना फिर से और उसी वाली ईमेल आईडी में जाना जो भी ईमेल आया था। उसके बाद इधर पर आपको पिन मिलेगा, ठीक है, तो इस वाले पिन को कॉपी कर लेना, कुछ इस तरह से आपको कॉपी कर लेना और बैक जाना है। उसके बाद आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में फिर से जाना और गिफ्ट कार्ड पिन आपको इधर पर पेस्ट कर देना जो भी आपने कॉपी किया है। उसके बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो गिफ्ट कार्ड सक्सेसफुल हो चुका है, इधर पर ऐड हो चुका है आपके वॉलेट में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको बैक जाना कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से आपको पूरा का पूरा बैक चले जाना। अब इधर पर एक अकाउंट वाले ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना अकाउंट वाले ऑप्शन में, और जैसे आप अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना कुछ इस तरह से, और इधर पर आपका जो माय अकाउंट माय कार्ड वॉलेट बैलेंस, आपने जो भी गिफ्ट कार्ड का बैलेंस करा है वो आपको इधर पर ऐड किया है, वो आपको इधर पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपल से इधर व्यू डिटेल पर क्लिक करना है, इधर पर आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री देखने के लिए मिल जाएगी, इधर पर क्लिक कर देना और आप देख सकते हो इधर पर एक बार 25 रुपया, एक बार 25 रुपये और ये अभी 26 रुपये गिफ्ट कार्ड का मिला है। तो पूरी की पूरी हिस्ट्री भी आपको इधर पर देखने के लिए मिल जाती है। अब इधर पर हमारे पास 76 रुपये हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर आपने जो वॉलेट में ऐड कर लिया, अब इस वाले पैसों को कैसे यूज करोगे, तो इसको यूज कर सकते हो आप शॉपिंग वगैरह में। जैसे कि समझ लो मुझे इस वाले को ऑर्डर करना है, इस वाली चैन को, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको परचेस करने के लिए जाता हूँ कुछ इस तरह से, तो इधर पर डायरेक्ट ही ना क्या होता है, आपका जो वॉलेट में बैलेंस रहता है गिफ्ट कार्ड का, उससे आप शॉपिंग कर सकते हो। तो इधर पर हम कंटिन्यू कर देते हैं और इधर पर मैं आपको बता देता हूँ आपको ऑप्शन कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल सा आप देख सकते हो इधर पर एक गिफ्ट कार्ड वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इधर पर जैसे अपन गिफ्ट कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो इधर पर 00 हो जाएगा और इधर से पेमेंट कट जाएगी, और उसके बाद जो आपको अमाउंट कितना देना है वो आपको इधर पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चैन कुछ महंगी थी और हमारे पास कुछ कम पैसे थे, तो आधे पैसे गिफ्ट कार्ड से कट जाएंगे और इधर से आपको इतना अमाउंट और ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो देखो यार कुछ इना इस तरह से आप गिफ्ट कार्ड को परचेज़ कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो, आप किसी को सरप्राइज़ दे सकते हो गिफ्ट में, और उसके बाद आप किस तरह से यूज कर सकते हो, मैंने आपको फुल डिटेल के साथ सब कुछ बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो नीट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।